गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट 2020 में एक नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया, जिसको बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम। जो मेन ऑब्जेक्टिव था इसको इंट्रोड्यूस करने का, वो था कि टैक्स पेयर्स के पास में एक और ऑप्शन आ जाए टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने का। लेकिन तब भी जो टैक्स पेयर्स थे उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को ही ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट किया। न्यू टैक्स रिजीम का अडॉप्शन लेवल बहुत ही लो था। उसको इनकरेज करने के लिए, मतलब उसके लेवल ऑफ अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए, यूनियन बजट 2023 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए न्यू टैक्स रिजीम में, ताकि टैक्स पेयर्स के बीच में इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो और वो ज्यादा से ज्यादा न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करें। और न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया, मतलब अगर टैक्स पेयर इंडिकेट नहीं करता है कि उसको ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना है या न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करना है, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाएगा और टैक्स पेयर को वही फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या क्या कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं टैक्स पेयर्स में न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में, कि ये न्यू टैक्स रिजीम है क्या, क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं इस नए टैक्स रिजीम में, और मेरे लिए क्या बेहतर है, ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है या न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम कैसा दिखता है, ओल्ड टैक्स रिजीम कैसा दिखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि अगर आपकी सैलरी 7 लाख है उस केस में आपको कोई टैक्सेस नहीं पे करना पड़ेगा। तो उसको भी हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब्स को देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 6 टैक्स स्लैब्स हैं। हर एक टैक्स स्लैब की वैल्यू 3 लाख रुपीस की है और वहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 5% से इंक्रीज होता है। जबकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम देखेंगे तो वहाँ पे केवल 4 ही टैक्स स्लैब है। 0 से 2.5 लाख पे कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं। 2.5 से 5 लाख पे आपको 5% टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। 5 से 10 के बीच में 20% आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं अपने टैक्सेबल अमाउंट पे, जो कि सिग्निफिकेंट है। और 10 लाख एंड अबव पे 30% आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो इसको समझने का कोशिश करेंगे क्या मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक टैक्स पेयर है जिनकी सैलरी 7.5 लाख रुपीस है। यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है कि दोनों ही केसेस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉलो करने का मौका मिल जाता है। मतलब दोनों ही केसेस में 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है। तो 7.5 लाख रुपीस में से 50,000 हम डिडक्ट कर लेते हैं और 7 लाख पे कैलकुलेट करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कितने टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में सबसे पहले तो 0 से 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। 3 to 6 लाख पे आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो कि हो जाता है 15,000 रुपीस। 6 to 9 के बीच में आपका 1 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम बनता है, तो उस पर 10% के टैक्सेस लगते हैं, जो कि हो जाता है 10,000 रुपीस। तो आप कितने टोटल टैक्सेस पे करने हैं, 25,000 रुपीस। चलिए ओल्ड टैक्स रिजीम में कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पर भी सेम ही है। फर्स्ट ब्रैकेट में 0 से 2.5 पे कोई टैक्सेस नहीं है। 2.5 से 5 लाख पे आपको 5% टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, जो कि हो जाता है 12,500 रुपीस। अब यहाँ पे हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में आप एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उनकी क्या क्या लिस्ट है वो भी मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। ये सारे डिडक्शंस हैं जो कि आप क्लेम कर सकते हैं। ये चार्ट आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। फिर ये सारे एग्जेम्पशंस हैं जो कि HRA हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, इस तरीके के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं एग्जेम्पशंस में। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपने एक HRA का एग्जेम्पशन क्लेम किया है, जो कि है 50,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एप्लीकेबल ही है 50,000 रुपीस का। ATC में भी आपने 1.5 लाख पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल आप 2.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। अब आपकी टैक्सेबल इनकम 7.5 लाख में से अगर 2.5 लाख हटा देंगे तो बनेगी 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख पे हम ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितने का बन रहा है। 2.5 से 5 लाख के बीच में आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है 2,50,000 रुपीस। उस पर टैक्सेस लग जाते हैं 5% के रेट के हिसाब से 12,500 रुपीस। अब देखिए यहाँ पर क्या मेजर डिफरेंस आया है दोनों ही केसेस में, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती थी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख है उस केस में आपको कोई भी टैक्सेस नहीं पे करने पड़ेंगे। मतलब जो भी आपका टैक्सेस बनेगा उस पर आपको पूरा का पूरा रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A।
और उस पर मैक्सिमम लिमिट थी 12,500 रुपीज की। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 पे पूरा रिबेट मिल गया। न्यू टैक्स रिजीम में इसको डबल कर दिया गया है। पहले जो 12,500 पे आपको रिबेट मिल रहा था उसके कंपैरिजन में न्यू टैक्स रिजीम में वो रिबेट को डबल कर दिया गया है, वो हो जाता है 25,000 रुपीज। अगर आपके टैक्सेस 25,000 रुपीज बनते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपको जीरो टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये हो जाता है दोनों ही केसेस में कि न्यू टैक्स रिजीम में आप कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड डिडक्शन, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये ऑप्शन अवेलेबल था। तो दोनों को ही कंपेयर करके आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं इन केस ऑफ सैलरी ऑफ 7.5 लाख रुपीस तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी है, ATC के अंडर में कोई डिडक्शन क्लेम नहीं करने पड़ रहे हैं। स्ट्रेट अवे 7.5 लाख की सैलरी पे आराम से बैठिए, निश्चिंत रहिए, आराम से आपको कोई भी टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी सैलरी उससे ज्यादा होती है, तो उस केस में कैसे पता लगेगा कि कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है, ओल्ड बेटर है या न्यू बेटर है, तो उसको भी हम आंसर करने का कोशिश करेंगे। अगर आपकी सैलरी 7.5 लाख से अबव है तो उस केस में आपके लिए कौन सा रिजीम बेनिफिशियल होगा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइप की सैलरीज को इंक्लूड किया गया है। तो चलिए सबसे पहले तो 2,50,000 पे तो कोई टैक्सेस नहीं है दोनों ही के केस में। दूसरा है 7,50,000, उस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या बेहतर है, उस केस में न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। जैसे ही सैलरी आपकी 10 लाख या उससे अबव हो जाती है, वहां पे ये कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा रिजीम आपके लिए सूटेबल है, वो कंसिडर करने के लिए हमने दो सिनेरियोस पकड़े हैं। फर्स्ट सिनेरियो में आपने टोटल इन्वेस्टमेंट और एग्जेम्पशन क्लेम किया 2 लाख की, सेकेंड सिनेरियो में वही आपने 4 लाख रुपीस के किए हैं। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों ही सिनेरियो में आपके लिए क्या ऑप्शन बेटर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है 10 लाख रुपीस का, यहाँ पर आपने 2.5 लाख के एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम किए हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम बन जाती है 7,50,000 रुपीस की। तो वहां पे आपको कितने के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, 62,500 रुपीस की। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में तो आप केवल एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ही अप्लाई करते हैं, तो उस केस में टैक्सेस बन जाते हैं 52,500 रुपीस के। तो क्या बेहतर है, न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपीस की है और आपने टोटल डिडक्शंस क्लेम किए हैं 2.5 लाख रुपीस के। अब दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं, आपने 4 लाख के डिडक्शंस क्लेम किए हैं, उस केस में आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है 5,50,000 रुपीस। कितने के टैक्सेस पे करने पड़े हैं, 22,500, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली लोअर है। तो उस सिनेरियो में ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए सूटेबल ऑप्शन बन जाता है। अब चलते हैं 12 लाख के एनुअल इनकम पे। यहाँ पर फर्स्ट सिनेरियो में 2.5 लाख के एग्जेम्पशंस क्लेम कर लिए हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई 9.5 लाख रुपीस और टोटल टैक्सेस बन गए 1,02,000 रुपीस। जबकि न्यू टैक्स रिजीम में ये बन जाता है 82,500 का। तो कौन सा बेटर है, 12 लाख की सैलरी है उस केस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेहतर है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में 4 लाख के एग्जेम्पशन क्लेम किए हैं और डिडक्शन क्लेम किए हैं, उस केस में टैक्सेस बनते हैं 62,500 रुपीस, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में वही टैक्सेस बनते हैं 82,500 रुपीस के। तो इस केस में ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। चलिए कंसिडर करते हैं कि आपकी सैलरी है 15 लाख रुपीस, उस केस में आपको फर्स्ट सिनेरियो में पे करने पड़ रहे हैं 1,87,500 एट टैक्सेस, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आप पे कर रहे हैं 1,40,000 रुपीस। तो ऑब्वियसली न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा बेहतर है। सेकेंड सिनेरियो पे आ जाते हैं, जब आप 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं और डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, तो उस केस में जो टोटल टैक्सेस बन रहे हैं वो 1,27,000 के बन रहे हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में बन रहे हैं 1,40,000। तो ऑब्वियसली सिनेरियो में ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है। अब लास्ट सिनेरियो पे आ जाते हैं, जब आपकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपीस है, उस केस में फर्स्ट सिनेरियो में आप पे कर रहे हैं 3,37,500, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में आप पे कर रहे हैं 2,85,000 रुपीस। तो क्या बेहतर है, न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है। अगर आपने 4 लाख रुपीस के डिडक्शंस क्लेम किए हैं, उस केस में आपके टैक्सेस बनते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,77,500 रुपीस, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में बनते हैं 2,85,000 रुपीस। तो इस सिनेरियो में बेहतर है ओल्ड टैक्स रिजीम। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये आपको एक आइडिया दे देगा कि आपकी कितनी सैलरी है और आपको कौन सा रिजीम फॉलो करना चाहिए। अब देखिए दोनों ही के कुछ प्रॉस है कुछ कॉन्स है। आपने ये तो समझा होगा कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस हायर हैं
तो हायर सैलरी ब्रैकेट के केस में भी ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा था, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के केस में एक जो कॉन ये हो जाता है कि यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन और डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोअर सैलरी ब्रैकेट में हैं तो आप मूंद के आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सैलरी हाई है और आप एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आराम से आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।